या तो मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा अगर मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे अगर डिवाइड होगा तो डिवाइड करेंगे सही है तो जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या करते हैं हम जो नेक्स्ट uh, टेबल होता है नेक्स्ट नंबर टेबल होती है बेटा तो वो हम पढ़ते हैं कितने टाइम जो पहला नंबर मिला होता है तो पढ़ें बेटा फ़ाइव वन ज़ा फाइव फ़ाइव टू ज़ा टेन फाइव थ्री ज़ा फिफ़्टीन फ़ाइव फ़ोर ज़ा ट्वेंटी फ़ाइव फाइव ज़ा ट्वेंटी फ़ाइव जब आप फाइव का टेबल फाइव टाइम पढ़ रहे हैं तो ट्वेंटी है तो आप लिख रहे हैं सही है इसी तरीके से बेटा आपका जो बी सम है वो भी इसी तरीके से है बेटा यहाँ पर है कि एट का टेबल एट टाइम पढ़ना है तो एट का टेबल एट टाइम पढ़ते हैं जो जवाब आएगा यहाँ पे लिखेंगे इस बॉक्स में लिख देंगे तो एट वन ज़ा एट एट टू जो सिक्सटीन एट एट थ्री जवेंटी फोर एट फोर जो थर्टी टू एट फाइव जो फोर्टी एट सिक्स जोटी एट एट सेवन ज़ा फिफ्टी सिक्स एट एट जिक्सटी फोर जी हाँ आपने एट का टेबल एट टाइम पर तो सिक्सटी फोर आ रहा है तो आप यहाँ पे सिक्सटी फोर डाल देंगे सही है। आ जाए बेटा सम नंबर सी पर अब यहाँ पर डिवीजन है तो आप डिवीजन करेंगे बेटा डिवीजन में क्या करते हैं कि हम इसका टेबल जो सेकंड होता है टेबल होता है इसका टेबल इस पर पढ़ेंगे जितनी टाइम जाएगा वो आंसर यहाँ पर लिख देंगे पढ़ते हैं बेटा तो सेवन का टेबल फ़िफ्टी सिक्स पर यानी कि सेवन का टेबल इतनी बार पढ़ेंगे कि फिफ्टी सिक्स आ जाए तो सेवन वन ज़ा सेवन सेवन टू ज़ा फोर्टीन सेवन थ्री ज़ा ट्वेंटी फोर सेवन फ़ोर ज़ा ट्वेंटी एट सेवन फाइव ज़ा थर्टी फाइव सेवन सिक्स फोर्टी टू सेवन सेवन फोर्टी नाइन सेवन एट फिफ़्टी सिक्स जी तो आपने सेवन का टेबल एट टाइम पढ़ा तो फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सिक्स आ रहा है तो यहाँ पर आप एट डाल देंगे बेटा सही है तो बेटा इसी तरीके से आप ये एक्सरसाइज हल करेंगे और हमें व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे आ, सम नंबर एल तक एल तक हल करेंगे और व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे बेटा थैंक यू